वेल दोस्तों, क्या आपके पास एक 4G सिम पड़ा हुआ है एंड उस 4G सिम को आप 5G सिम में कन्वर्ट करना चाहोगे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप अपने 4G सिम को 5G सिम में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी दोस्तों घर बैठे। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर 4G सिम में आपको स्पीड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों, कनेक्टिविटी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, तो जैसे दोस्तों आप अपने 4G सिम को 5G सिम में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों इंस्टेंट आपको 4G के मुकाबले 5G सिम में डबल स्पीड देखने को मिलेगी। एंड पर्सनली दोस्तों मैंने यूज करके देखा एंड सच में मुझे दोस्तों 4G के मुकाबले बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी 5G में देखने को मिली थी। एंड अगर दोस्तों आपका जो फोन है वो सिर्फ 4G सपोर्ट करता है, आपका फोन 5G सपोर्ट नहीं करता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसानी से दोस्तों बस 2 से 4 स्टेप में आप दोस्तों अपने 4G सिम को 5G सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से दोस्तों आप अपने 4G सिम को 5G सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप जानना चाहते हो दोस्तों 4G सिम को किस तरह से 5G सिम में कन्वर्ट किया जाता है, तो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है दोस्तों, बस इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड वीडियो में जो जो स्टेप्स वगैरह मैं बता रहा हूं बस उसे अच्छी तरह से देखना है, तो आप भी दोस्तों बहुत ही आसानी से 4G सिम को 5G सिम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, चलता हूं वीडियो पे एंड वीडियो को करता हूं फटाक से स्टार्ट। दोस्तों तो सिंपली से आप लोग आ चुके मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पे। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अभी जो मेरा सिम 4G अभी मैंने 5G में कन्वर्ट नहीं किया है, तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों मैं अपना भी स्पीड दिखा देता हूँ। करेंटली दोस्तों जो 4G सिम है वो मुझे कितना स्पीड दे रहा है। सिंपली से दोस्तों मैं यहाँ पे स्पीड बाय ओकुलस सर्च करता हूँ एंड यहाँ स्पीड टेस्ट को ओपन करके सिंपली से दोस्तों मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख पा रहे हो कि मुझे अभी 11 Mbps का डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये चेक करा दिया। अब नेक्स्ट चलिए दिखाता हूं दोस्तों अब किस तरह से यहां पे अपना जो 4G सिम है उसको 5G में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग को ओपन करना होगा एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद सिंपली से दोस्तों यहां पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल रहा है, सिंपली से इसको क्लिक करना होगा। दोस्तों हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ और लिखा हो, कनेक्टिविटी ना लिखा हो, तो सिंपली से दोस्तों अगर कनेक्टिविटी ना लिखा हो तो सिंपली से दोस्तों वहाँ पर सिम सेटिंग वगैरह लिखा रहेगा, तो सिंपली से उस पर आप क्लिक कर लेना। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिला है मोबाइल नेटवर्क, तो यहाँ पे दोस्तों आप मोबाइल नेटवर्क को ओपन करना। एंड नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से दोस्तों नीचे आपको देखने को मिला है एक्सेस पॉइंट नेम, तो सिंपली से आपको एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करना है। एंड ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देखने को मिला है, सिंपली से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। एंड ऐड पे क्लिक करने के बाद सिंपली से ये जो पूछ रहा है जो जो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह वो दोस्तों आपको भरना है, तो सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको नाम भर देना है। नाम किसका भरना है दोस्तों, सिंपली से आपके पास जो भी सिम है, सपोज डेट आपके पास जियो सिम है या फिर एयरटेल सिम है, तो सिंपली से दोस्तों यहाँ पे आपको भर देना डिटेल्स। जैसे कि मेरा जियो सिम है तो मैं जियो लिख के एंड सिंपली से यहाँ पे 5G लगा देता हूँ। सिंपली से आपको इसी तरह करना है, सब कुछ स्मॉल में रहना चाहिए एंड सिंपली से आपको ओके करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या भरना है, नीचे दोस्तों आपको APN देखने को मिला है, तो सिंपली से APN में भी आपको फिर से क्या करना है दोस्तों, आपका जो भी सिम का नाम है वो एंटर करना है एंड लास्ट में दोस्तों आपको 5G लगाना है। जैसा कि मेरा जियो का सिम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सिंपली से मैंने यहाँ जियो 5G लिख के सिंपली से यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपको यूज़र नेम भरना है, जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हो यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में आपको क्या भरना है दोस्तों, सिंपली से आपको यहाँ पे भरना है 5G, देन दोस्तों यहाँ पे प्लस लगा के जो भी दोस्तों आपका सिम का नाम है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने दोस्तों जियो है मेरा, तो मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद दोस्तों यूज़र नेम के बाद सिंपली से आपको दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे जाना एंड पासवर्ड के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन देखने को मिला है, तो सिंपली से आपको सर्वर को ओपन करना एंड सिंपली से यहाँ पे आपको लिखना है दोस्तों www.google.com, तो सिंपली से दोस्तों www.google.com लिख के सिंपली से आपको यहाँ पे ओके करना है। एंड सर्वर के बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो जैसे दोस्तों MMSC, MSS, POXY, MMS पोर्ट जो जैसे है दोस्तों आपको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हो दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है MCC और MNC, तो MCC और MNC को तो दोस्तों आप भूल से भी मत छेड़ना, ये दोस्तों सिंपली से कॉड है, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो उसका यहाँ पे कॉड है, तो इसे आपको नहीं छेड़ना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिला है दोस्तों ऑथेंटिकेशन टाइप, तो सिंपली से इसे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जस्ट PAP को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट दोस्तों PAP को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिला दोस्तों APN प्रोटोकॉल, सिंपली दोस्तों आपको APN प्रोटोकॉल को यहाँ पे क्या करना दोस्तों, एंड APN प्रोटोकॉल को ओपन करने के बाद नीचे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिला दोस्तों IPv4/IPv6, सिंपली दोस्तों इसे आपको सेलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको फिर से आना है एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों APN रोमिंग प्रोटोकॉल, सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है एंड सेम दोस्तों लास्ट वाला ऑप्शन जो IPv4/IPv6, सिंपली से इसको क्लिक करना है। एंड आई नो कि दोस्तों ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आपको समझ
नहीं आ रहा होगा आपको दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा सिंपली दोस्तों, एंड वहाँ पे दोस्तों आप देख लेना कि क्या क्या सेटिंग करना है। दोस्तों मैंने एक लिस्ट बना दिया किसे किसे दोस्तों चेंज करना है एंड क्या क्या चेंज करना है, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाके दोस्तों आप कॉपी करके सिंपली से यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको ये सिर्फ करने के बाद एक लास्ट और सेटिंग करना है, वो करना है दोस्तों आपको बियर, जैसे कि दोस्तों आपको नीचे देखने को मिल रहा है बियर, तो सिंपली से इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका दोस्तों अनस्पेसिफाइड यहाँ पे सेलेक्ट होगा, बट आपको अनस्पेसिफाइड को अनटिक करना है एंड नेक्स्ट दोस्तों नीचे जितना भी दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिला है सबको दोस्तों सिंपली से कुछ इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली से दोस्तों आपको ओके कर देना एंड दोस्तों आपका जो एपीएन है वो दोस्तों बिल्कुल से रेडी है। तो आपको दोस्तों सेव करने के लिए क्या करना है दोस्तों, ऊपर आपको थ्री लाइन डॉट बटन देखने को मिला है, सिंपली से इसको क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको सेव करना है एंड सेव करने के बाद दोस्तों आपको आगे करना है क्या दोस्तों, नीचे आपको दोस्तों जियो 5G आपको देखने को मिला है, सिंपली से इसको सेलेक्ट करना है एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली से आपको दोस्तों बैक चले जाना एंड बैक जाने के बाद एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, आपका फोन जो है उसे रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है। बेसिकली दोस्तों आप जैसे ही रिबूट रीस्टार्ट कर लोगे तो जो एपीएन आपने बनाया उसके साथ आपका फोन अच्छी तरह से दोस्तों अटैच हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली से सबसे पहले आप अपना फोन को रीस्टार्ट कर लेना। दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लोगे तो आपका जो 4G सिम था दोस्तों वो ऑटोमेटिकली से 5G सिम में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। एंड दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ अभी फिर से एक बार स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ एंड आप देखना दोस्तों 4G के मुकाबले, जहाँ की दोस्तों मुझे 4G दोस्तों आपको 11 MB 10 MBPS देखने को मिल रहा था, वहीं पर जब मैं उस सिम को 5G में कन्वर्ट कर देता हूँ तो फिर दोस्तों आपको कितना इंटरनेट स्पीड देखने को मिलता है। तो सिंपली से मैं यहाँ पे गो कर देता हूँ एंड गो करने के बाद दोस्तों आप खुद ही देख लो दोस्तों मेरा इंटरनेट स्पीड इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं। एंड आप दोस्तों देख सकते हो कि जहां की मुझे 10 MB 9 MB देखने को मिला था, वहीं पे जैसे मैंने 5G यहां पे चेंज किया तो मुझे दोस्तों यहाँ पे 18 MB तक यहाँ पे स्पीड देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों इससे भी ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके एरिया में और भी अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो दोस्तों आपको इससे भी अच्छा दोस्तों यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने 4G सिम को 5G में कन्वर्ट कर सकते हो एंड दोस्तों बहुत ही अच्छा स्पीड आप यहाँ पे दोस्तों अनुभव कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आज के इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से दोस्तों आप अपने 4G सिम को 5G सिम के साथ कन्वर्ट कर सकते हो। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी दोस्तों हेल्प किया होगा, थोड़ा सा भी दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसी तरह के कॉन्टेंट और भी चाहते हो आगे भी दोस्तों, अगर आप इसी तरह के हेल्पफुल एंड यूजफुल कॉन्टेंट चाहते हो तो फिर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज दोस्तों इस चैनल पे आपको इसी तरह के यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहते हैं। एंड साथ ही दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बताया इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस में आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे दोस्तों आपका जो भी प्रॉब्लम है वो दोस्तों लिख के आप मुझसे पूछ सकते हो एंड इंस्टेंट दोस्तों मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम को रिप्लाई में ही दोस्तों मैं आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय जिस तरह की वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट टाइम।